मोगे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, सारे बाजार खुले ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर चीज़ खुली है, जिवें आम रूटीन दे विच खुले हुंदे, अज भी उस तरह आम दिन वांगी खुला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, तुसीं सब बाखूबी जानते हो कि सिख फॉर जस्टिस दे कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आह्वान किया सी कि सोमवार नूं पंजाब बंद रहेगा। पंजाब बंद दे इस ऐलान तो बाद पूरे पंजाब नूं हाई अलर्ट ते कीता गया सी, ते खास करके मोगा नूं हाई अलर्ट ते रखिया गया सी, क्योंकि मोगा दे विच गुरपतवंत पन्नू वल्लों डॉलरां दा लालच दित्ते जाण तों बाद कुछ नौजवानां वल्लों कुछ थां ते केसरी निशान साहिब चुलाए गए सन, खालिस्तान दे झंडे लगाए गए सन। डीसी दफ्तर दी चौथी मंजिल उत्ते वी इह घटना वापरी सी, पर गुरपतवंत पन्नू वालों पंजाब बंद के इस ऐलान का अज कोई भी असर मोगा विच वेखण नूं नहीं मिलिया। दो दिन के पूर्ण लॉकडाउन तो बाद आवाम अपने घरां तो बाहर निकली, बाजार खुले हुए नजर आए, ते लोग आम दिनों की तरह ही बाजारों में घूमते फिरते समान लेंदे नजर आए। दूसरे पास मीडिया नूं जानकारी देंदे होया डीएसपी सिटी बलजिंदर सिंह भुल्लर ने दस्या कि सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब बंद का ऐलान किया सी, जिसका मोगा दे विच कोई असर वेखण नूं नहीं मिलिया, ते लोग रोजमर्रा दी तरह ही मोगा विच घूम फिर रहे ने, ते बाजारां विच भी पूरा रश वेखण नूं मिल रहा है। सर, एक एसएफजी वालों अज पंजाब बंद का ऐलान किया गया, मोगे की की स्थिति है? मोगे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, सारे बाजार खुले ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर चीज़ खुली है, जिवें आम रूटीन दे विच खुले हुंदे, अज भी उस तरह आम दिन वांगी खुला, कोई भी बंद का इतने कोई असर नहीं है। साडे जिहड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो असीं सारे कीते हैं। गुरप्यारियो, आवाम नूं इह आप सोचना चाहीदा है कि जे कोई विदेशां विच बैठ के खालिस्तान दी गल करदा है, खालसा राज दी गल करदा है, झंडा लगाउण दे पिछे कुछ डॉलर देण दा लालच देंदा है, तां किते ना किते इह रस्ता बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसने हक सच दी गल करनी है, जिसने अपने हक मंगणे ने, उह हिक ठोक के कानूनी दायरे विच रह के भी मंगे जा सकदे ने, उस वास्ते मावां दे जवान पुत्तां नूं कुराहे पाउण दी कोई सानूं लोड़ नहीं है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर भी जेकर खालिस्तान की मांग करती है तो सरेआम करती है, तो खालिस्तान के नारे भी सड़कों उत्ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सरेआम लगाए जाते हैं, पर अगर किसी भी तरह के शरारती अंसर पिछे लग के या वक्खवादियों पिछे लग के पंजाब के नौजवान कल्ले कल्ले अजिहा कोई नारा मारते हैं, तो उन्होंने उत्ते युवापा जिहियां धारावां ला के हमेशा वास्ते सलाखां पिछे वो सुट दिते जाते हैं सड़न वास्ते। इसलिए हर मापिया का फर्ज बनता है, हर नौजवान का फर्ज बनता है कि कोई भी कदम चुकने से पहले वो आप सोच लैन कि उस वास्ते की गलत है अते की सही, ते जेकर सानू लगता है कि साढ़े नाल कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो उस वास्ते असी हमेशा कानून के दायरे में रह के ही अपनी आवाज़ बुलंद करिए चंगा है। तो इस सब इस मसले उत्ते की सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट्स के जरूर देना, वीडियो चंगी लगी हुई लाइक तो शेयर भी जरूर करना। गुरबाणी अखंड बाणी वास्ते मोगा तो जोगिंदर सिंह गिल की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि गुरबाणी वास्ते हुने सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।